शिमला निगम चुनाव को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने निगम के चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। धूमल ने कहा कि प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव भी बीजेपी जीतेगी। शिमला नगर निगम पर काबिज होने की सियासी जंग पूरे उफान पर है। 16 जून को वोटिंग होनी है, उससे ठीक पहले हिमाचल बीजेपी ने अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज करवाने की कोशिश की। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी कांग्रेस और वामपंथी दल ने शिमला को पीलिया का तोहफा दिया, लोगों को बिजली और पानी के लिए तरसा दिया। सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है। और उस समस्या का समाधान करना है तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट मुक्त शिमला चाहिए। प्रेम कुमार धूमल ने बताया कि बीजेपी की प्राथमिकता शिमला में सड़कों का जाल बिछाना, बिजली पानी की कमी को दूर करना और पार्किंग की समस्या का समाधान करना रहेगा। तो पहली समस्या तो पेयजल की जो बिजली की है उसको हम समाधान करेंगे। तो सड़कों का विस्तारीकरण और पार्किंग हमारी प्राथमिकता होगी। वैसे भी शिमला शहर में जितनी पार्किंग बनी है वो सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण बनी है। प्रेम कुमार धूमल ने दावा किया कि कांग्रेस नगर निगम के चुनाव करवाने से बच रही थी, लेकिन हाई कोर्ट की बदौलत चुनाव को नहीं टाल पाए। शिमला से ललित शर्मा, जी मीडिया।